यार तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना, साफ साफ कहो। ठीक है, आप ट्रस्ट करेंगे मेरी बातों पर? क्योंकि मामा को तो आजकल मेरी बातों पर ट्रस्ट आई नहीं। ये तुम्हारी हरकतें हैं ना, इसकी वजह से तुम बेदबार हो गए मां की नजर। यही तो आपको बताने आया हूं कि मैं गलत नहीं हूं पापा। आप, बीनी और मामा ये समझ रहे हैं कि मेरे यहां आने की वजह उरूसा है, जबकि जबकि बस पापा आप बीनी की शादी कर लें, जहां हो जैसे हो कोई अच्छा रिश्ता देखकर बस उसकी आप शादी कर लें प्लीज। शादी देखो, वजह होनी चाहिए। वजह ना मैं आपको बता सकूंगा ना आप सुन सके, बस ये जान लें कि मजीद उसका यूनिवर्सिटी जाना हम सब के लिए नुकसान दे होगा। समझ में नहीं आ रही तुम क्या कह रहे हो। मेरे सामने खड़े होकर इस तरह की बात करो मेरी बीनी के बारे में? नहीं आ रहा ना आपको मेरी बात पर यकीन? मुझ पे भरोसा नहीं है ना? तो सुन ले, बीनी की यूनिवर्सिटी में जिन लड़कियों से दोस्ती है वो बदनाम तरीन लड़कियां हैं, और बीनी भी उनके साथ बदनाम हो रही है। So what? बुरी और बदनाम लड़कियों के साथ दोस्ती खत्म की जा सकती है, यूनिवर्सिटी छुड़वाने की जरूरत क्या है? क्योंकि बात अब बुरी लड़कियों से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। जी मिस उरूसा, ये आपकी सीट है। मोमल और हम्माद आपकी हेल्प करेंगे। आपको कुछ भी पूछना हो आप इनसे पूछ सकती हैं, और अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं भी यहीं हूँ। ओके, थैंक यू। प्लीज वेलकम। आई होप तुम्हें हमारे साथ काम करके अच्छा लगे। मैं हम्माद की वाइफ हूँ। मैं हम्माद हूँ, मोमल का हस्बैंड। एंड वेलकम इन आवर ग्रुप। थैंक यू। अगर कोई भी मसला मसाइल हो तो आप मुझे समझ सकती हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा, क्योंकि एमबीए में मेरे मोमल से ज्यादा अच्छे नंबर आए थे। सिर्फ 1 पॉइंट नंबर ज्यादा थे? सिर्फ। मेरी 8 पोजीशन थी और तुम्हारी 15 पोजीशन थी। इस बात का जवाब मैं तुम्हें घर जाकर दूँ, बेहतर होगा अभी मुझे गाइड करने दो। बेचारी बच्ची को डरा दिया, देखो चुप हो गई है तब से। अरे नहीं नहीं, मैं डरी नहीं हूँ, बल्कि तुम दोनों की नोकझोंक देख कर ये सोच रही हूँ कि कहीं ये लड़ाई कोई खतरनाक मोड़ ना अपना ले। हाय मेरी बहन, ये कैसा तजुर्बा है तुम्हारे जुमलों में? ये जाती तजुर्बा है या सो ब्रामो का? डोंट वरी, सारा दिन सारा ऑफिस हमारी नोकझोंक का आदी हो गए, तुम भी हो जाओगे, फिर ना कोई डर रहेगा ना खर्चा। आज पहला दिन है, इतनी डोज काफी है, काम कर लो, बॉस आ जाएंगे तो मसला हो जाएगा।